नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल 10 पे। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना भी नहीं सकता है। वो भीमा कोरेगांव ले चलता हूं, वहां रौनक होगी वो इस वीडियो के जरिए से आप समझ सकते हैं। 1925 में बाबा साहब आए थे, उन्होंने अंग्रेजों के गजट से इस आंदोलन की शुरुआत की थी, शौर्य गाथा की शुरुआत की थी, और उसके बाद से लगातार समझिए कि ये प्रक्रिया। इसको बड़े फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें होती है वहां की, अभी अभी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं पूर्व संध्या पर, पूरे देश पूरी दुनिया से लोग आते हैं और सजाया जाता है भीमा कोरेगांव स्तंभ को, शौर्य दिवस को। अरे देखिए, ये पूरे गांव भीमा विजय स्तंभ है और पूरी राजनीति जो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के आसपास घूमती है उसकी कहानी जुड़ी हुई है इससे कि किस तरह से संभाजी महाराज की हत्या की गई, उसमें पेशवाओं की मिलीभगत थी। उसके बाद एक महार जाति के थे गणपत, उन्होंने गोविंद गायकवाड़, गणपत महार उनका नाम था पूरा, उन्होंने कैसे उनके टुकड़े को एक किया और उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उनके पूरे परिवार को पेशवाओं ने काट डाला और फिर उसी का वो बदला था जब ये युद्ध जीता गया तो जिन लोगों ने युद्ध जीता था उन्होंने जाकर उनको ट्रिब्यूट किया और कहा कि हमने आपकी हत्या का बदला ले लिया पेशवाओं से। तो एक ऐतिहासिक धरती है जिसको बाबा साहब ने जिंदा किया और बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास नहीं लिख सकता। आपको जिस तरह से फिल्में दिखाई जाती है कि बाजीराव मस्तानी जो शासक कितना क्रूर था, कितना मानवीय था, राजतंत्र की भी एक सीमा होती है, लेकिन वो सारे सीमाओं को पार कर गया था और ये इतिहास है। तो चलिए और भी दिखाते हैं, हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा मैं भीमा कोरेगांव का, जो किस तरह से लोग वहां आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। ये देखिए, नाश्ते के बाद इस तरह से भीड़ होती है वहां, जन सैलाब उमड़ता है। पैदल चलना पड़ेगा तो लंबा सफर है ये। तो रात में जो भीमा कोरेगांव का जो नजारा है वो अद्भुत होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, उसके बाद भी शानदार नजारा होता है। और भीमा कोरेगांव आप समझिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं लगातार भीमा कोरेगांव गया हूँ, वहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। वहाँ इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है, जानबूझकर इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है। ये देखिए, इस तरह की नज़ारा होता है। तो पूरा जन सैलाब उमड़ता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और मैंने लगातार कई सालों तक बैक टू बैक रिपोर्टिंग की है भीमा कोरेगांव की, और कल पूरे देश से बहुजन समाज के लोग वहां जुटेंगे और वो पूरी कहानी बताते हैं बामसेफ का। वहां तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो वहां जुड़ते हैं। मैं उस साल भी गया था जिस समय भीमा कोरेगांव पर हमला हुआ था, और तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भीमा कोरेगांव एक ऐतिहासिक धरती है, एक ऐतिहासिक जगह है जहां हजारों की संख्या में, ये देखिए एक तस्वीर और दिखा रहा हूं मैं आपको, किस तरह के नजारे होते हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं भीमा कोरेगांव के। यहाँ कण कण में अम्बेडकर है, हर किसी के जुबान पर अपना इतिहास है और बाबा साहब कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना भी नहीं सकता है। ये देखिए, ये प्रार्थना का दौर चल रहा है, ये तस्वीरें दिखा दूं आपको, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, बहुजन समाज के लोग कैसे जमा हो रहे हैं और ये देखिए लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। और तो इस प्रतीक को किस तरह से सजाया जा रहा है, रात के 12 बजने वाले हैं और अद्भुत है। दुधिया रात में जो पहला साल आता है नया साल, उसके मध्य रात्रि में मतलब एक नया साल था और ये लोग अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे और मुक्ति की लड़ाई लड़ते हुए बोला था
तो माफ कीजिएगा, ये इंटरनेट की वजह से हम आपसे बात जुट नहीं पाए थे। ये देखिए, आज की रात ऐतिहासिक है, पूरी लड़ाई हुई थी आज ही। और ये देखिए, तो आपको भीमा कोरेगांव में अभी इसी तरह का नजारा होगा। मैं आपको पुराने वीडियो दिखा रहा हूं, अभी इस समय 11 से रात के 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है भीमा कोरेगांव में। तस्वीरें दिखा रहा हूँ भीमा कोरेगांव से, 12 बज गए हैं, बहुजन समाज अपनी आजादी मुक्ति का जश्न मना रहा है नए साल के साथ साथ इसका एक इम्पोर्टेंस है। और बाबा साहब का एक सपना था पूर्व में भारत का, उसको लेकर ये दिखाया जा रहा था। सोचिए कि भारत एक बुद्धमय भारत था, और जब भारत बुद्धमय था तो तक्षशिला था, नालंदा था, जब लोग रहना सीख रहे थे पूरी दुनिया में तो भारत ज्ञान का प्रतीक था, वो बुद्धमय भारत था। उसको किस तरह से गृहद्रथ की हत्या के बाद उसको खत्म किया गया, वही बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि भारत को फिर से बुद्धमय करेंगे, उसका भी यहाँ प्रतीक आपको दिखेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए ये है नए जश्न की तैयारी। भीमा कोरेगांव एक प्रतीक नहीं है, ये अगर नहीं होता तो ज्योतिबा फुले नहीं होते, सावित्रीबाई फुले नहीं होती, बाबा साहब नहीं होते। इसलिए पूरी लड़ाई जो है मुक्ति की लड़ाई है, और 2000 साल की जो नारकीय जिंदगी थी उससे मुक्ति मिली थी। उसके बाद आपको स्कूल जाने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, अंग्रेजों को लगा कि ये अब ताकतवर लोग हैं, और ये जो प्रतीक है, इतिहास है, अद्भुत है, ये आप जब जानेंगे समझेंगे तब आपको लगेगा कि भीमा कोरेगांव की गौरव की जिंदगी में क्या स्थान है, और किस तरह से 500 महाराजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 2800 विधवाओं को खाटा था, और उसके बाद उन्हें जीने का मार्ग मिला, रास्ता मिला। और जिस तरह से बहुजन समाज के लोग, महिलाएं कहाँ से आई आप? अच्छा, तो रात भर यही रहेंगे आप लोग? तो इनकी आंखों में चमक है, रौनक है, और मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में 22 साल दिल्ली में इंडिया गेट पर नए साल का जश्न मना के गवा दिया है। बहुजन समाज के लोग को यहाँ आना चाहिए, ये है असली जश्न, ये है आपकी आजादी की लड़ाई, यहाँ से आपको सांस लेने की आजादी मिली, यहाँ से आपको सड़कों पर चलने की आजादी मिली, यहाँ से आपको जीने की आजादी मिली, खाने की आजादी मिली, जिस तरह से आपको गुलाम बना दिया गया था, जिस तरह से बहुजन समाज के लोग को गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको, और भीमा कोरेगांव में इस समय रौनक होगी, देश भर से लोग वहां आते हैं, लोग जुड़ते हैं, और ये शानदार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, बार बार कह रहा हूं, बहुत ऐतिहासिक जगह है, आप जाइएगा जरूर। नेशनल दस्तक पर आप जैसे ही भीमा कोरेगांव डालेंगे आपको दर्जनों सैकड़ों वीडियो मिलेगा। आइए आपको दिखाता हूं मैं कुछ और वीडियो। तो भीमा कोरेगांव में आज अद्भुत नजारा होता है, और रात के 12 बजे से लोग जमा हो जाते हैं, जमा तो पूरे दिन से होते रहते हैं, रात के 12 बजे अद्भुत नजारा होता है वहां, और पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होता है, जश्न मनाता है, और वो अपने महापुरुषों को याद करता है। सोचिए, संभाजी महाराज का बदला लिया था, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को कत्ल कर दिया था, सबसे एक ऐसा भारत में ऐसे राजा हुए पेशवा जो सबसे ज्यादा अत्याचार के प्रतीक है, अन्याय के प्रतीक है, और उनके खिलाफ जो है ये सबसे बड़ी जीत की प्रतीक है। वही एक और बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है आज, ये देखिए। जिसकी पुत्री संख्या मेरी, जिसकी
तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, आज चंद्रशेखर आजाद रावण ने उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर ओबीसी आरक्षण के लिए बड़ा धरना प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये वीडियो शेयर किया रविंदर भाटी गुर्जर ने, ये देखिए, थोड़ा लाइट कम करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए। तो ये वो तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से आजाद समाज पार्टी ने ओबीसी आरक्षण के पक्ष में आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन किया है। ये रविंद्र भाटी गुर्जर ने वीडियो शेयर किया है जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो ओबीसी की लड़ाई को अपने कंधे पर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण ने लिया है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जन सैलाब है। तो इस बार यूपी में ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है और लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। और ये देखिए टीवी अखबारों की हालत क्या है, सिर्फ सिर्फ राम रहीम हिंदू मुस्लिम के एक शो चलाए जा रहे हैं, इसी को लेकर राहुल गांधी ने हमरा बोला था। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ा आंदोलन हुआ है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ा आंदोलन किया है और ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में निकले हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक बार फिर से देखिए, काफी संख्या में लोग निकले हैं, देखिए। ये आज की बड़ी खबरें थी जो मैं सोशल मीडिया से आपको दिखा रहा था। सबसे बड़ी खबर है आज पूर्व संध्या है भीमा कोरेगांव का, सोचिए 1800 के आसपास ये घटना होती है और अब 200 साल पूरे हो रहे हैं भीमा कोरेगांव के, 200 साल से ज्यादा हो गए हैं और सोचिए किस तरह से 1818 की ये घटना है और पेशवाओं का जो कुर शासक था, जो हांडी और झाड़ू लटकाते थे, जिन्होंने मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू कर दिया था और जिन्होंने संभाजी महाराज साहू जो शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे, प्रतिपालक थे, जो जो इस देश को सूरवीर थे, उनकी हत्या करवाई और उनके अंतिम संस्कार करने पर गायकवाड़ फैमिली को मार डाला। उसके बाद उसका बदला 500 महारों ने लिया, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में कहा भी था कि आप अपनी गलती मान लीजिए, आप हमारे साथ अत्याचार बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं माने। उसके बाद भीमा कोरेगांव नदी के किनारे खून की नदी बही, मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया और वहां से पैदल चलकर वो पुणे आते हैं और जो ये जो पेशवाओं का जो महल था उस पर उसको जला देते हैं। तो ये मुक्ति की लड़ाई थी, ये बहुजन समाज की मुक्ति लड़ाई थी, मनुस्मृति से मुक्ति की लड़ाई थी और इस इतिहास को बाबा साहब ने जिंदा किया। तो आज की भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के नाम से माना जाता है। एक चाहूंगा कि मैं आपको पोस्ट पढ़ के सुनाऊं, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोग खत्म करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेझक अपने इतिहास को याद कीजिए। और ये देखिए, ये है वो सिद्धक महार, इनके नाम से पेशवा भाग गए थे, मैं इसलिए कहता हूं इनके नाम से पेशवा भाग गए थे और वो इतिहास पूरा मैं बताता हूं। सेनापति सिद्धनाक ने पेशवा से कहा था कि हम अंग्रेजों के समर्थन में लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारे गले में मटका और पीठ पीछे झाड़ू नहीं होना चाहिए। तब पेशवा ने कहा, सुई की नोक पर बैठते उतना भी अधिकार हम देने के लिए तैयार नहीं है तुम्हें। पेशवा के इस घमंड को तोड़ने के लिए जनवरी 1818 को 500 महार सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को ककड़ी की तरह काट डाला और पेशवाई का अंत कर दिया। यही से हमारी आजादी की जंग शुरू हुई। हमें विश्वास है कि हम इस जीत लेंगे। इसके बाद ही हमारे गले से मटका और झाड़ू निकल गया। मुझे गर्व है उन 500 महार सैनिकों पर, धन है भारत के वीर सपूत। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये वो सिद्धनाक महार है, इनकी तस्वीरें देखिए। और इन्होंने जातिवाद से सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और इस तरह से भीमा कोरेगांव को सजाया जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से सजाया जाता है, इस तरह से उसको सजाया जाता है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा,
और एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना दूं, 11 मार्च सन 1689 को पेशवाओं ने हमारे संभाजी महाराज को खत्म कर उनके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर तुलापुर नदी में फेंक दिया था और कहा था कि जो भी इनको हाथ लगाएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। काफी समय तक कोई भी आगे नहीं आया, पर एक महार जाति के पहलवान ने हिम्मत दिखाई और आ गया जिसका नाम गणपत पहलवान था। वह संभाजी महाराज के सारे शरीर के हिस्से को इकट्ठा करके अपने घर लाया और उसकी सिलाई करके मुखाग्नि दी। संभाजी महाराज की समाधि आज भी उसी मारवाड़े इलाके में स्थित है। ये सूचना मिलते ही पेशवाओं ने गणपत महार पहलवान का सर कलम कर दिया और समूची महार जाति को दिन में गांव से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और कमर पे झाड़ू और गले में मटका डालने का फरमान लागू कर दिया और पूरे पुणे शहर में खबर फैला दी कि गणपत महार पहलवान देवतुल्य हो गया है, इसलिए वो भगवान की भेंट चढ़ गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद महार जाति के लोगों पर खूब अत्याचार इन पेशवाओं द्वारा किए जाने लगे। महार जाति शुरू में ही मार्शल जाति सेना में लड़ने वाली थी, पर पेशवाओं ने अब इन लोगों पर मार्शल लॉ सेना में लड़ने पर रोक लगा दिया था। महार अब इनके जुल्म से तंग आ चुके थे और अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए आंदोलन करने की सोच रहे थे। उस दौरान अंग्रेज भारत में आए ही थे, पर वो पेशवाओं की बलशाली सेना पर विजय नहीं पा रहे थे। तभी महार जाति का एक नया युवक सिद्धनायक पेशवाओं से मिलने गया और कहने लगा कि वैसे तो हमारी अंग्रेजों की ओर से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, मगर तुम हमारे सारे अधिकार और सम्मान हमें दे देते तो हम अंग्रेजों के यहां से भगा देंगे। इस पर पेशवाओं ने कहा कि तुम्हें यहां सुई के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। यह सुनते ही सिद्धनायक ने पेशवा को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं ही निमंत्रण दे दिया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब हम रणभूमि में ही मिलेंगे। अब सिद्धनायक अंग्रेजों से मिला और उनसे कहने लगा कि तुम हमें अपने अधिकार और सम्मान लौटा दो तो हम आपकी तरफ से इन पेशवाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। अंग्रेजों ने सिद्धनाथ की बात मान ली। तब सिद्धनाथ 500 महार सैनिकों के साथ संभाजी महाराज की समाधि पर जाता है और महाराज की समाधि को नमन करते हुए शपथ लेता है कि हम संभाजी महाराज के खून का बदला जरूर लेंगे। और सब उसके बाद 7 दिन तक चले युद्ध में भूखे प्यासे रहकर महारों के 500 वीरों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के टुकड़े टुकड़े करके उसको नेस्तनाबूत कर दिया। वो दिन था 1 जनवरी 1818, इसलिए इसे शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है, जहां स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन महार वीरों के लिए अपने आंसू बहाए थे। आओ हम भी याद करें हमारे उन महान वीर सैनिकों को जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई थी। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय संविधान। रमेश गौतम ने बहुत शानदार लेख लिखा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कब तक छुपाओगे इतिहास को। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई। वो बदला लेना था शिवाजी महाराज के पुत्र और इस देश के शूरवीर राजा संभाजी महाराज की हत्या जिन्होंने की थी पेशवाओं ने, उनसे बदला लिया गया था। तो सोचिए, बहुजनों के खून में वीरता है, इसलिए मानसिक ये जो इन्होंने जो छल पूर्वक जो शिकार बनाया है आपको, उसे निकलिए। और इसीलिए भीमा कोरेगा उसी सौर दिवस का प्रतीक है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।